एवरेज कम हो गया एकदम, 22 से 21 पे आ गया। ये 20 एवरेज कितनी जल्दी डाउन हो रहा है वो देख। ज्यादा डाउन, हाँ गाड़ी को जितने ज्यादा पंच करेगा उतने ज्यादा एक्सीलेटर है। हाँ आवाज काफी ज्यादा बढ़ गई है, 140 बहुत ज्यादा आवाज थी। हाँ इंजन पूरा वाइब्रेट मार रहा है। 140 के ऊपर, 140 तक ठीक था, 140 के ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे वो स्प्लेंडर को नहीं खींचते ना। हाँ जबरदस्ती, हाँ जबरदस्ती वाला था बराबर। 140 तक ठीक रहता है, 140 तक भाई लोग चला सकते हो आप, चलाने की नहीं इतनी फास्ट। हाँ वो तो हम टेस्ट कर रहे थे इसलिए भाई, टेस्टिंग थी। हेलो पुलिस वालों, हम टेस्ट कर रहे थे कि कितना जा सकती है। 80 से ऊपर नहीं गए थे हम। हाँ अभी तक देखो 84 पे आते वापस 21 पे आ गई एवरेज। इंजन को जितना ज्यादा नॉइज करेगा, जितना ज्यादा वैसा करेगा ना, तो एवरेज डाउन होगा एकदम से। तो इसके हाई स्पीड स्टेबिलिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छा है, पर एक प्रॉब्लम होती है जैसे ही 120 क्रॉस करते हो, 120 तक आप आराम से क्रूज कर सकते हो, जैसे ही उससे क्रॉस करते हो एकदम से मतलब वाइब्रेशन और इंजन नॉइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जैसे ही आप 140-150 पे पहुँचते हो तो इतना ज़्यादा वाइब्रेशन होता है, इंजन एकदम से वाइब्रेट करने लगता है अंदर, एकदम से क्लियरली आपको पता चलेगा कि गाड़ी बहुत ज़्यादा नॉइजी हो रही है। आप नॉर्मली 120 तक चला सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।